दुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो चलो गाड़ी निकालो। अरे थोड़ा रुक यार, अभी विनोद आया नहीं है। उसके लिए कितना इंतजार करेंगे यार? लोकेशन पे अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारी क्लास ले लेंगे। आज छोड़ के जाते हैं, खुद सुधर जाएगा। क्यों सर, क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ये तुम मुझसे पूछो। वो पैदा करने वाला ब्रह्मा तुम्हारी सारी अच्छी रेखाएं इन हाथों में छुपा कर रख दिया। तुम्हारी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, प्यार करने वाली रेखाएं, और तो और माला सिन्हा से रेखाएं मैच करती हैं। अगर तुम प्रतिभा से पहले मुझसे मिली होती ना तो इस फिल्म में तुम ही हीरोइन होती है। अबे क्या कर रहा, दिखता नहीं है क्या, अंधा कहीं का? सर डायरेक्टर साहब पूछ रहे आपने हीरो को फोन किया कि नहीं। कर दिया, भूला नहीं हूँ। ही कमिंग, गो टेल। ओके सर। यहाँ पे सारे नाकारा लोग ही बैठे हुए। क्या सोमू भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप खुद इस मंदिर के ट्रस्टी हो, आप इतने बड़े आदमी हो, दिन दहाड़े इस दान पेटी से चोरी कर रहे हो, ये तो महापाप है भाई। क्या बात करते हो, कितने सालों से आप इस मंदिर में लगातार पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको एक छोटे से काम के बारे में भी पता नहीं होता। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा था? जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। कहा था कि नहीं कहा था? दान पेटी में पैसा डाला मैंने, अब निकाल भी मैं ही रहा हूँ। दोनों बुद्धि श्री कृष्ण भगवान ने दी है। अब जब भगवान ने ही बोला है कि जो भी होता है उसका कारण मैं होता हूँ, अब जब मैंने इसमें थोड़े से पैसे निकाल लिए वो भी भगवान से पूछ के, तो उसमें गलत क्या किया? आपका दिमाग खराब हो गया है। कट इट। शॉट ओके सर। कैमरामैन। यस सर। नेक्स्ट शॉट क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ, नेक्स्ट सीन में कैमरा पूरा जूम करना। भगवान की मूर्ति सेंटर में होनी चाहिए। जब तुझे पता है कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो तू 8 बजे क्यों आ रहा है? कहाँ था अभी तक? एक बात सुन, जब 4 दिन का तेरा पगार कटेगा ना तब दिमाग ठिकाने आएगा। अब क्या खड़ा है यहाँ पे, जा निकल। ए गुरु। आया सर। अरे देख के। अरे क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन क्या है? इतनी देर हो गई, सुबह से कहाँ था? सुबह से सामने ही तो हूँ, इनको दिखता भी नहीं है क्या? अब पत्थर की तरह क्यों खड़ा है, कुछ पूछ रहा हूँ। काम क्या है सर? आर्टिस्ट को डायलॉग बताना ना, जा बता जाकर। ओके सर। सर कॉफी। अच्छा आज विनोद काम क्यों नहीं कर रहा? आज विनोद सेट पर लेट आया था सर, इसलिए मैनेजर ने मना कर दिया। क्या यार, वो डेली वेजेस एम्प्लॉय है, अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? वो आप लोग देखो सर। शंकर भाई यहाँ आना जरा। यस सर। शंकर भाई आज तुमने विनोद को काम करने से क्यों रोका? सर आपको पता है कितना लेट आया सेट पर? जब उसे पूछा तो बोलता है कि ड्राइवर दारू पी के स्कूल जाने वाले बच्चों का एक्सीडेंट करके भाग गया, इसलिए इसने दौड़ के उस ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। इसलिए मैंने उसको बोला कि आज तू समाज सेवा ही कर, इसलिए बैठा है सर। ये गलत है, तुम भी जानते हो उसने अच्छा काम किया है। उसकी तारीफ करने के बजाय आज तुमने उसे काम पर नहीं रखा, ये कैसा न्याय है? पहले उसे काम पर रखो। ये नहीं होगा सर, आज जो काम कर रहे हैं उन सबकी लिस्ट मैंने यूनियन को भेज दी है, इसलिए आज इसे मैं काम पे नहीं रख सकता। इसका पगार अपने जेब से कौन देगा सर? एक काम करो, आज की पगार इसकी मैं दूंगा, अब तो तुम्हारी यूनियन को एतराज नहीं होगा ना? अरे आपकी मर्जी सर। किसी भी मुद्दे में घुस जाता है,
क्या डायरेक्टर पकड़ा है मैंने। विनोद सर, शंकर भाई से मैंने बात कर लिया, तुम काम पर जाओ। एडवांस के तौर पर तुम इसे रख लो, रख लो। नहीं सर, बिना काम किए मैं पैसे नहीं ले सकता। अरे वो सब हो जाएगा यार, रखो। विनोद, आज के जमाने में एक्सीडेंट हो जाने पर पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब में कौन फंसना चाहता है। तुमने इनकी चिंता नहीं की, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। हाँ भाई आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। सुबह 7 बजे से यूनिट तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी सर, मैं तो 6 बजे उठ गया था। ये प्रेस और पॉलिटिक्स वालों का फोन उठा उठा के उनसे बच के निकलने में ही इतनी देर हो गई। ए स्वामी, ये हीरोगिरी तो ठीक है, या तो राजनीति में रह सकते हो या सिनेमा में रह सकते हो। 2 नाव पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे। डोंट वरी सर, 2 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा। मेरे आने की तकलीफ है बस, अब आ गया ना सारा टेंशन मेरा, फटाफट रेडी होके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ। विनोद बेटा, ये क्या है, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ माँ, कल से 1 हफ्ते की मेरी आउटडोर शूट है। तू कल ही तो बाहर से आया, अब फिर से तू जाएगा? ये सब क्या है बेटा? माँ मैं तो डेली बेसिस वाला मजदूर हूँ, एक दिन काम नहीं करूंगा तो पगार तो कोई नहीं देगा। माँ ये रख लो माँ। ये सारे पैसे तुम मुझे क्यों दे रहा है, कुछ अपने खर्चे के लिए भी रख। मुझे पैसों की क्या जरूरत है माँ? तो मुझे भी पैसों की क्या जरूरत है जब बेटा ही नहीं है। माँ टाइम पे मुझे चाय, कॉफी, नाश्ता, खाना सब मिल जाता है, और रहने के लिए कमरा भी वही लोग देते हैं, तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है माँ? अच्छा बेटा, तू भी तो अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखता है, दिन रात तू अपने सिनेमा के लिए भागदौड़ करता है, तू मेरी बात तो कभी मानता ही नहीं। तू भी अपने भाई जैसा ही है। क्यों पुरानी बातें याद करती रहती हो? ये फिल्म लाइन का काम छोड़कर और कोई काम करने में मेरा मन नहीं लगता माँ। बस एक बार मैं IAS बन जाऊँ तो मेरी प्यारी माँ को AC रूम में बिठा कर पूजा करूँगा। ये सब ठीक है बेटा, लेकिन तू IAS कैसे बनेगा? माँ इन दोनों फील्ड में से एक में तो मैं कामयाब हो ही जाऊंगा, मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है। चलूँ माँ। अपना ख्याल रख। क्यों विनोद, सूटकेस पैक कर लिया, कहीं जा रहा है? हाँ क्या यार, 1 हफ्ते की मेरी आउटडोर शूट है। ये फिल्मी दुनिया माया लोक है भाई, एक बार जो इसमें घुस गया ना वो घूम ही जाता है। करेक्ट बोल रहे भाई, अगर अभी अपन नहीं आते ना तो भाई का तो दर्शन भी नहीं हो पाता। अरे बस कर यार। क्या करे माँ, ये तो चाय वाले की तरह यहाँ वहाँ भागते रहता है। बस यही तो अपना दोस्त है, आपको समझाना चाहिए ना। मैं समझा चुकी, अब तुम सब लोग इसे समझाओ। हाँ। शायद तुम लोगों की बात माने, तब तक मैं कॉफी लेके आती हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, तुम लोग कॉफी पीकर आराम से निकलना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। दुनिया में ये शुरू से होता आ रहा है, ठीक है ना? और क्या था? ओह हाँ, हाँ। अरे यार ये डायलॉग याद क्यों नहीं हो रहा है? ए गुरु। हाँ या सर। दुनिया में क्यों, क्या हो गया सर? यहाँ पर मैं डायलॉग याद नहीं कर पा रहा हूँ और तू मुझ पर ही हंस रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी सर, गुरु गिर गया उस पर मुझे हंसी आ गई, आपके डायलॉग पर नहीं। शट अप आई सेड। अरे क्या हो गया, मुझे एक्टिंग करता है हीरो बनता अपने आप को, मुझ पर हंसी का दूर सर। हरी आप पीछे ज्यादा हीरो बन रही है। क्या हुआ विनोद, मैं यहाँ पर डायलॉग याद नहीं कर पा रहा हूँ और ये सर्कस बना दिया, मुझ पर हंसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे तू मेरी शूटिंग में क्या कर रहा है? माँ कसम मैं इन पर नहीं हंस रहा था, गुरु की हरकतों पर हंस रहा था, ये बिना मतलब के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। तुझ पर इल्जाम लगाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? पागल हूँ बोलना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मुझ पर हंसने की? तेरी तौर को ये सब क्या है? क्यों रे, तू हीरो है तो कुछ भी करेगा क्या? इज्जत करते हैं तो यूनिट के लोगों पे ही हाथ उठाएगा, इतनी चर्बी बढ़ गई। पहले तूने हाथ उठाया, ये गलत बात है। ये कौन होता है हाथ उठाने वाला? ये मेरा सेक्रेटरी है, मेरा राइट हैंड। अरे तेरा राइट हैंड है तो घर पे ले जा। ए, 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 क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? हाथ मत उठा वरना बहुत गलत होगा। बोल रहा है तू, तुझे मैं छोडूंगा। अरे समझ में नहीं आ रहा तुमको? जब तक तू पब्लिक के सामने इसकी माफी नहीं मांगेगा हम शूटिंग नहीं करेंगे। अभी से ब्रेक पे जाते हैं। चिन्ना सेक्रेटरी को फोन लगा, उनको बता कि यहाँ क्या क्या हुआ है। ओके सर। अरे सुन सुनो, ए शंकर बात मत बढ़ाओ यार, छोटी सी बात है, रबर की तरह मत खींचो। क्या बात करते हैं सर, ये हीरो है तो कुछ भी करेगा, हम फैंस ने इसको बड़ा बनाया, अब ये फैंस को ही मारेगा, हम साथ नहीं देते तो ये हीरो कैसे बनता? देखो शंकर भाई, बिना काम के बात मत बढ़ाओ, ये मुझ पर हंस रहा था, इसे बोलो अभी मुझसे माफी मांगे। जाने दीजिए शंकर भाई, झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, शूटिंग रोकने पर प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होगा और वो लॉस मेरी वजह से हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये बहुत बड़े आदमी है, मैं खुद इनसे माफी मांगता हूँ। अरे तू कैसे माफी मांग सकता है, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर आज इसे छोड़ देंगे कल ये फिर हमारे सर पर नाचेगा, तुझे समझ आता है क्या?
तो रुक, हम देख लेंगे। ए ए सुनो सुनो, तुम्हारी तकलीफ में समझता हूँ। ए शंकर, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी सुनो, अभी शूटिंग मत रोको, पैकअप होने के बाद हम लोग बात करेंगे। हम कैसे छोड़े सर, अगर ये हीरो है तो सबसे बड़ा हो गया क्या? अगर हम शूटिंग नहीं करेंगे तो ये हीरो कैसे बनेगा? अरे बात मानो ना, सॉरी तो बोलना, काम शुरू हो जाएगा। सर आप बीच में मत पड़िए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। हो गया बंटाधार, कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं। विनोद, ये इसका पहली बार नहीं है, हर फिल्म में कुछ ना कुछ नाटक करके हमें जलील करता है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हम लोग काम रोक रहे हैं, तुम जाओ सेक्रेटरी को फोन करो। मार मैंने खाई, मैं खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, आप सबको भी एतराज नहीं होना चाहिए। हेलो शंकर भाई, आपके लिए फोन, यूनियन सेक्रेटरी लाइन पे है, बात कीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ, शूटिंग पर से शंकर भाई बात कर रहा हूँ। हीरो विश्वास है ना, हमारे लाइटमैन विनोद पे हाथ उठा दिया। सर लाइटमैन हमारे यूनियन का मेंबर है क्या? मेंबर है सर। तो फिर तुम सब लोग शूटिंग क्यों कर रहे हो? सर शूटिंग रोक दी है सर, मैंने आपको बताने के लिए फोन किया, आप इनको फोन कीजिए। भाई मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। क्या मतलब, हीरो की गलती पर भी तू ही माफी मांगेगा? इससे थोड़ी मेरी बेइज्जती होगी। ये तेरी बेइज्जती नहीं है, ये यूनियन की बेइज्जती है। चुपचाप जाके बैठ जा, बताऊंगा क्या करना है। डालो डालो। एक बार उसको सजा मिलेगी ना, तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा। ये तो एक छोटा सा सेक्रेटरी है, वर्ल्ड लेवल प्रेस भी आ जाना तो भी तुम घबराना मत। हाँ बेटा। वो विनोद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं जानती हूँ, वो अपनी औकात ही भूल गया, लाइट बॉय होकर हीरो के ऊपर हंसता है। अब देखते हैं उसे इस इंडस्ट्री में काम कौन देता है। देखो यार, उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट लिखोगे तो बेवजह प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अपना विनोद बहुत अच्छा लड़का है और समझदार भी है, वो लाइटमैन होने के बाद भी बहुत डिसेंट है। इस तरह के नखरे कौन करता है आप बेहतर जानते हैं, मेरे मुंह से क्यों उगलवा रहे हैं? डायरेक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, पर यूनियन में कंप्लेंट आई है, उस पर एक्शन लेना मेरा काम है, फैसला बाद में होगा। यहाँ कैप्टन ऑफ द टीम आप हैं, मैंने आपका ओपिनियन सुन लिया, अब मुझे हीरो की भी बात सुननी है। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। ओके थैंक यू। ओके बाय। चलो जल्दी पता डालो। नमस्कार सर। ओ नमस्कार, अकेले में बात करनी थी। क्या बात हुई है, कुछ समझ में आया? हाँ सब समझ गया। तुम तो पहले उनसे मिलके आए हो, तो तुम्हें उनकी बात सही लगी होगी। सपोर्ट तो तुम उनको ही करोगे। उनको सपोर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, आप तो जानते हैं मेरी यूनियन मुझे पगार देती है। कर्मचारियों की मदद तो करूंगा लेकिन सपोर्ट सिर्फ आपको दूंगा। अच्छी बात है, किसका साथ देना चाहिए तुम अच्छे से जानते हो। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ सर, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पालना है, पोषना है, बहुत सारे काम है। ये बात छोड़ दो ना सर, ये छोटा मैटर मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा सर। आप भी मेरी मदद कीजिए ना सर। क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जो दिसंबर की डेट है ना, थोड़ा पहले दे देंगे तो मजा आ जाएगा, तो फिल्म जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, सही टाइम पे रिलीज भी कर दूंगा, चार पैसे कमा भी लूंगा ना सर। तो फिर वो विनोद का केस? आप चिंता क्यों करते हो सर, आप फिल्म के हीरो हो, उसने आपका मजाक उड़ाया, मैं प्रूफ कर दूंगा सर, अगर नहीं माना तो मैं उसका कार्ड भी कैंसिल कर दूंगा सर, डोंट वरी सर। ठीक है, अगले महीने की डेट देता हूँ, तुम शूटिंग चालू कर दो। ओके सर, हाथ भी लाइए सर, मजा आ गया, थैंक यू सर। अब मैं निकलूं सर? नमस्कार सर। आई आई, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी। हाँ बताइए। आराम तो है ना? कैसे आराम होगा भाई, झगड़ा वो लोग करते हैं, तकलीफ हम लोगों को हो रही है, एक दिन की शूटिंग रुकने पे कितना लॉस होता तुमको तो पता ही है। आपका लॉस कवर करने के लिए ही मैं आया हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या करना है ये बताओ। 20,000 रुपए निकालिए। मैं तुम्हें 20,000 क्यों दूँ? अरे मुझे नहीं चाहिए, यूनियन के लिए। गलती उसने किया, मैं क्यों यूनियन को 20,000 रुपए दूँ यार? देखिए गलती वलती देखेंगे बाद में, अभी शूटिंग स्टार्ट करनी है तो 20,000 रुपए निकालिए, शूटिंग नहीं स्टार्ट होगी तो लाखों रुपए का नुकसान होगा। ओ तू क्या बोल रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात सुन, ये कैसी यूनियन है जो प्रोड्यूसर के दर्द को नहीं समझती है? जानता है हमने यहाँ वहाँ कहाँ से उधार लिया तू जानता है? बीवी का बेटी का दोनों का गहना मैंने बेच दिया, उनके पैसे से 100 लोगों का घर चलाता हूँ, हमारे सेट पे जो भी आता है वो भूखा पेट जाता है क्या? तू बता, इतना करने के बाद भी तू आता ये हो गया वो हो गया बोल के सर चाटता है, तुम सब मिलके मेरा खून पी रहे हो। अब तो यार डर लगने लगा है कि कब कौन पंगा कर देगा, ऐसे कैसे शूटिंग पूरी होगी तू ही बता। देखिए प्रोड्यूसर साहब, बात को रबर की तरह मत खींचिए,
कावेरी का पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान सबको ही होगा। ये बात तो सही है। अब मुझे 20,000 रुपए दोगे कि निकलो यहाँ से? रुकना रुकना, तू क्यों जल्दबाजी कर रहा है? अभी मैंने तेरे को मना थोड़े किया। मेरे बाप ने कहा था बेटा फिल्मी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने नहीं माना ना। ये ले तू पकड़। ओके, कल से शूटिंग स्टार्ट। बहुत मेहरबानी, हे भगवान, कैसे भी करके मेरी फिल्म पूरी करवा दो। सर पे पूरे बाल थे, आधे तो उड़ चुके हैं। देख शंकर, हमारे यूनियन में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। यूनियन मजबूत रहेगी तभी जिंदगी में बदलाव आएगा और हम सबके लिए अच्छा कर सकेंगे। अब इस छोटी सी बात को पतंग की तरह मत खींचो। अब इसमें हमारा क्या फायदा है बताओ? देखो, विनोद अगर उससे माफी मांग लेगा तो उसका क्या घट जाएगा? ऐसे लग रहा है जैसे हॉलीवुड से आया है। छोटी सी बात को बढ़ाओ मत यार। हम उसे नहीं छोड़ेंगे सर। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं यूनियन का सेक्रेटरी हूँ, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। समझ में आया? एक दिन की शूटिंग रोकने पे कितना लॉस होता है समझ में आता है? हैं? ये पैसे रख लो, रख लो, रख लो यार। उसको बुलाओ, विनोद को बुलाओ। विनोद जी, तुम जरा इधर आओ। विनोद, मैंने इनसे बोल दिया है, अब वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और तुम भी सेट पे हंसना और मजाक करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल से काम शुरू हो जाएगा, तुम भी आ जाना। ओके ना शंकर, सब ठीक है ना? ठीक है सर। चलो चलते हैं। चलिए चलो। ये ले पकड़, तुम सबको मिल गया ना? ठीक है सर। जाओ जाओ जाओ, चलते चलो। हाँ जा जा जा। हाँ ठीक है। ए पीछे देख, ये अंदर क्या छिपा रहा है तू? माफ कर दे यार, ये पैसा तो मैं मार्केट से उधार लेके आया हूँ। तुझे मांगता तो 5 रुपए देता हूँ, राजा साहब बीड़ी पी के मजा ले। मैं क्या तुझे बीड़ी पीने वाला चिंदी चोर दिखता हूँ? आम स्मगलर किंग। मेरी आंख में देख दाऊद इब्राहिम, दूसरी आंख में देख छोटा राजन। अरे उनके पीछे तो पुलिस पड़ी है। ये काम पुलिस के बस का नहीं है, मेरे जैसे लोगों का है। फालतू बात करना बंद कर, चल पैसा निकाल वरना। वरना क्या करेगा? ये चाकू अंदर। ए, अब तूने पैसा दे दिया, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? सर सर, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बोलिए ना कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे तू तूने तो मुझे डराई दी। कैसा इंसान है तू, थोड़ी देर और रुकता तो मेरी जान ही चली जाती। हे भगवान शिव शंभो। सर एक मौका दो ना, सर सर एक मौका दो ना। अरे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तू अभी जा डायरेक्टर को बोल के तेरे को चांस दिलाता हूं। जा जा जा। थैंक यू सर। काम मिल जाएगा ना सर? सर ये टोपी तो लेके जा बे। ये टोपी तो मेरी नहीं है, आपके ही कॉस्ट्यूम से ली है। पेड़ में फूल होता है, ये पेड़ को पता होता है। पक्षियों को भी अपने बच्चे के बारे में पता होता है, वैसे ही माँ को भी बेटे के कदम घर में पड़ते ही पता चल जाता है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ बेटा, ये तू भूल गया क्या? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग है, तेरा जवाब नहीं माँ। अगर ऐसा डायलॉग किसी फिल्म में मारा होता ना तो 100 डे चलेगी, ये गारंटी है। बेटा अगर फिल्मों में काम करेगा तो माँ भी तो डायलॉग मार सकती है ना। तू एक मिनट रुक, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अरे बैठ जाओ माँ, मैं भी बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ माँ। टीवी पर कोई फिल्म चल रही हो या कोई सीरियल चल रहा हो तो तुम उसी में डूबी रहती हो। एक मिनट बेटा, मैं कॉफी लेके आती हूँ, मैं तुम्हें खाना लेके आती हूँ, नाश्ता लेकर आती हूँ, यही कहती रहती हो, अब तक नहीं बदली। ऐसा नहीं बेटा, कोई भी माँ हो वो अपने बच्चों का ख्याल रखने में ही बहुत खुश रहती है। वैसे मेरी प्यारी माँ के लिए एक छोटा सा तोहफा, ये लो। ये क्या है बेटा? आंखों के डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारी आंखें चेक करवानी पड़ेंगी। वो क्यों? और नहीं तो क्या, तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि ये साड़ी है और उसके बाद भी तुम पूछ रही हो कि ये क्या है बेटा? मुझे पता है ये साड़ी है, पूछ रही हूँ इसे क्यों लाया। हाँ क्यों लाया हूँ,
यही हाफ रेट चीप रेट हाफ रेट चीप रेट बोलने के लिए लाया हूँ। क्या मतलब? और नहीं तो क्या माँ, तुम सवाल ही इस तरह का पूछ रही हो। अरे साड़ी किस लिए होती है? पहनने के लिए ना, कपाट में रख के पूजा करने के लिए तो नहीं। अरे बाप रे, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, जैसी रुई वैसी साड़ी और जैसी माँ वैसी बेटी। नहीं नहीं नहीं, जैसी माँ वैसा बेटा है ना। बहुत बदमाश है, तेरे बात करते दिन खत्म हो जाएगा। रुक, मैं कॉफी लाती हूँ। ठीक है, तुम कॉफी लेकर आओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। माँ माँ रुको तो, माँ ये साड़ी तो रख लो। अरे मेरी सूटकेस कहाँ गायब होगी? यहीं तो थी। इसे ढूंढ रहा है क्या? ओ, तुम लोग हो क्या? मेरा सूटकेस क्यों चुरा रहे हो? तेरा स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं विनोद। तू तो हर दिन आउटडोर शूटिंग पे जाता है मेरे दोस्त, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आता है। तो ये सब कुछ हमारे लिए है क्या? हाँ। ये देख, मुझ पर अच्छा लग रहा है। तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। कुछ भी बोल, तुम लोग नसीब वाले हो। हीरो हीरोइन जो कपड़े फिल्मों में पहनते हैं, फिल्म के बाद तुम लोग पा जाते हो। एक्चुअली अगर सच कहूँ तो हीरो हीरोइन जो कपड़े पहनते हैं वो बाद में एक्स्ट्राज और जूनियर आर्टिस्ट को ही दे देते हैं, लेकिन हम सबको नहीं देते हैं। इसका मतलब ये सब तेरा नहीं है? यही सच है। सॉरी यार विनोद, बिना काम के हमने सब पहन लिए। ए चलो निकालो। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग रख लो, मैं दूसरे ले लूंगा। ऐसे कैसे चलेगा विनोद? ऐसा वैसा कुछ मत बोलो, तुम सब लोग तो मेरे दोस्त हो, इसलिए संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, भाई से बढ़कर हो और मेरे बच्चे जैसे हो। लो कॉफी पी लो। लाओ लाओ, पहले मुझे दो। अभी तो मैंने कहा तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। वाह वाह, क्या माँ है, क्या माँ है। छोड़ो, कॉफी कैसी है? सुपर। पियो पियो। ए, जाके कॉस्ट्यूम तैयार करो। सर, डायलॉग थोड़ा डिफिकल्ट है ना? तू चुप करना यार, क्या डायलॉग लिखा है एक भी याद नहीं हो रहा है। सर थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, मैं भी बहुत अच्छा डायलॉग लिखता हूँ सर। मेरे पास प्रोड्यूसर भी है, अगली फिल्म आपके साथ करना चाहता है। पहले इसको देख। ओके सर। तुम भी कुछ समझता नहीं। अरे यार आप भी तो समझो। सर डायलॉग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किसने कहा ये? हीरो सर। सर उनको डायलॉग ही समझ नहीं आ रहा है। ए, काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तो डायलॉग कैसे समझ में आएगा? एक राइटर हो या डायरेक्टर हो, उसे पता होता है कि अपने सीन में उसे क्या चाहिए, उसी हिसाब से डायलॉग लिखता है। अगर ये डायलॉग रहेगा तो ये सीन उठ जाएगा। इतनी मेहनत से डायलॉग लिखा गया और तू चेंज करवाना चाहता है? कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलो डायलॉग याद करे। समझ गए ना? जाओ। सर डायरेक्टर डायलॉग चेंज करने से मना कर रहा है, यही डायलॉग याद करना पड़ेगा। ये अपने आप को समझता क्या है? इसके जैसे न जाने कितने डायरेक्टर मेरी जिंदगी में आए और गए, सारा मूड खराब कर दिया। प्रेम और प्यार की दुनिया ही अद्भुत होती है, और उस दुनिया में कदम रखने वाले ही प्यार करते हैं। प्यार कब होगा ये तो नहीं पता, उसी तरह मौत कब होगी ये भी किसी को नहीं पता, और ना ही कोई इसका मतलब समझना चाहता है। प्यार में पढ़ने के बाद ही प्यार क्या है ये समझ में आता है, और वो मिल भी जाता है। इसी प्रेम और प्यार के बारे में बताने के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन तुम्हारा ये जो प्यार है, ये सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि एक धोखा भी है। छह। ओके ओके, मैं मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, इन सबको छोड़ के मैं तुम्हें पाने के लिए आया था, बट आज मुझे तुम्हारे झूठे प्यार के बारे में पता चला। लेकिन फिर भी आई एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये प्यार का नाटक, ये धोखा किसी और के साथ मत करना, क्योंकि प्यार में धोखा सबसे सहा नहीं जाता। झूठे प्यार वाली ये गंदी नजर किसी पर मत डालना, अंडरस्टैंड? लेकिन एक ना एक दिन आएगा, यू विल पे फॉर दिस। यस, यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। सर आप, विनोद सर, मैंने जब से तुम्हें देखा मुझे लगता था तुम बिल्कुल अलग हो। सर विनोद, तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है ये मैं पहले समझ गया था। मैं जैसा अपना पात्र चाहता था और आज जैसा मैंने देखा है, तुम पात्र को 100% जस्टिफाई कर रहे हो। अगर इस पात्र को कोई और करेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा, इसलिए अब इस फिल्म के तुम ही रहो। सर
मैं? हाँ विनोद, तुम हीरो हो। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। अरे डायरेक्टर, तूने क्या किया? हम कोई साबुन की एड थोड़ी बना रहे, फिर तू मेरे भविष्य को रगड़ के क्यों धो रहा है? अरे क्या सोच के इतना घबरा रहे हैं आप? अरे क्यों ना घबराऊं, अब तू काम ही ऐसा कर रहा है। दो कौड़ी के लाइटमैन को तू हीरो बनाना चाहता है। मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, मेरा सर्वनाश होगा, मैं भिखारी की तरह गले गले घूमूंगा, तेरे को अच्छा लगेगा क्या? एक बात ध्यान रखिए, अगर एक डायरेक्टर चाहे तो एक कलाकार को खड़ा कर सकता है और दूसरे को खत्म कर सकता है। अगर मैं घमंडी को हीरो बना सकता हूं, तो फिर विनोद में क्या कमी है प्रोड्यूसर साहब? मैंने देखा है कि एक्टिंग उसके खून में बसी है। अभी तक उसने दूसरों के चेहरे पर लाइट दी है, एक बार उसके चेहरे पर पड़ने दो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिसे मैं हीरो बना रहा हूं वो सक्सेस होगा। जाइए, कल शूटिंग है, उसका इंतजाम करिए। तेरी मर्जी, तू किसी को भी हीरो बना, मेरी लुटिया नहीं डूबनी चाहिए। हे भगवान, मुझे बचा, तू भी बचाना भाई। अरे आप चिंता छोड़िए। गणपति बप्पा, ये फैसला सिर्फ आपका ही है, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नो नो नो, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि एक लाइट बॉय मेरे सामने हीरो बनेगा? नेवर, शेम। अरे, यही बात मैंने डायरेक्टर को कितनी बार बताई, डायरेक्टर ने मुझे भगा दिया। इतिहास गवाह है कि डायरेक्टर हरदम हीरो को बनाता है, इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है, ये मेरे दिमाग में उसने डाल दिया। उसने मुझसे बोला, एक कलाकार एक मूर्ति बनाता है, उसी तरह डायरेक्टर एक कलाकार को पहचानता है, और मैंने विनोद को पहचान लिया है, वो हीरो बनेगा। तुम भले ही मान जाओ, लेकिन एक लाइट बॉय के साथ मैं हीरोइन बनूंगी, मैं कभी नहीं मान सकती। देखो देखो देखो, तुमने एक्टिंग सीखी है, इसके साथ काम करूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी, ये कहना गलत है। तुमको एक्टिंग करना चाहिए रील में, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये फिल्म मना कर दी तो क्या होगा? तुम नहीं करोगी तो कोई और कर लेगा, वो डायरेक्टर दूसरे हीरोइन ढूंढ लेगा। मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? आप भी तो कुछ कहिए। हाँ, उसकी किस्मत कहाँ चमकेगी किसको पता। अगर वो कल के दिन बड़ा हीरो बन गया, हाँ। तो उसकी हर बड़ी पिक्चर के अंदर तुम ही हीरोइन बनोगी ना। हाँ। ज्यादा सोचो मत, ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है, मान जाओ। अगर मेरी नजर से देखें तो हीरोइन की लाइफ 4 से 5 साल तक ही होती है। तब तक जो माल मिले उसे अंदर कर लेना चाहिए। सुनो, मौका मिला है, माल अंदर कर लो, नहीं तो क्या फायदा। मैं तुम्हें कंगाल होते नहीं देख सकती बेटी, मान जाओ ना बेटी, मान जाओ। अभी कुछ बोलो ना। अरे मेरी नहीं तो अपनी माँ की तो बात मानो। भैया विनोद सर का मेकअप करना है। एक लाइट मैन का मेकअप करने के लिए तू मुझे बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ? आज से इस पिक्चर के हीरो यही है भाई। क्या बोल रहा है? विश्वास को हटा के विनोद को ले लिया गया है। ए, फिल्म बनाना क्या भेलपुरी बनाने जैसा है? रोड पे से किसी को भी उठा के हीरो बना देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर फालतू बकवास बंद करो। हम जिस आर्टिस्ट को भेजते हैं, तुम्हारा काम है उसका मेकअप करना, यहाँ राजनीति की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। अरे रे रे, अब खड़े क्यों हो गए साहब? बैठ जाइए, बैठिए, कोई बात नहीं। अरे रे रे, नीचे गिर गए क्या? ए कुर्सी ला, साहब को बैठा, बैठिए बैठिए। आज तो पहली बार गिरे हो, आज के बाद कहाँ कहाँ गिरोगे पता भी नहीं चलेगा विनोद जी। आधा डाल लो, अच्छा रहेगा। मैंने तुम्हारी इंसल्ट किया, अगर तुमने डायरेक्टर को बताने की कोशिश भी की तो इस मेकअप में एलर्जी का ऐसा पाउडर मिलाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सोचना भी मत, होशियार। हे जीजस, विनोद को कामयाबी के लिए आशीर्वाद दो, आमीन। हमारे दोस्त विनोद का भला करो। एक्शन। विनोद, बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुम्हारा पिक्चर ब्राइट है, गुड।
तुम्हारी एक्टिंग बहुत मस्त थी बेटा। थैंक यू सर। जिस तरह तुमने पात्र को निभाया ना, तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे। ये सब तो आप शट अप। सर ये क्या बात हुई, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। मुझसे आपने एनओसी लिया क्या, मेरी परमिशन ली क्या? जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो ये कैसे कर सकता है? दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। इसके लिए आज मैं खुद चैम्बर जाऊंगा, आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट करूंगा, आपके ऊपर केस फाइल करूंगा। यू बीइंग अ जेंटलमैन ऐसा नहीं कर सकते। ए, तेरी राम कहानी खत्म हो गई? आप सुन, तुझसे 10 गुना ज्यादा रूल जानता हूँ। तूने हमें कितना टॉर्चर किया जानता है? शाम से लेकर सुबह तक पीता है और दोपहर में उठता है। शाम 4 बजे शूटिंग पर आता है और हम सुबह से यहाँ तैयार बैठे रहते हैं। तुझे लेकर फिल्म कैसे पूरी होगी? प्रोड्यूसर का पैसा क्या पेड़ पर लगा है? इन्होंने किस किस से कर्जा लिया है तुझे पता नहीं है क्या? और सुनना है तुझे, गेट आउट आई से। प्रतिभा, आफ्टर ऑल एक लाइट बॉय के साथ काम करके क्या मिलेगा तुम्हें? आई एम सॉरी विश्वास, अभी मेरी सिचुएशन कुछ भी डिसाइड करने लायक नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला किया। हाँ बेटा, हम क्या कर सकते हैं बताओ ना। यू ब्लडी, तेरी इतनी हिम्मत तू मेरा काम नहीं कर रहा। अरे अरे क्या कर रहे हो सर, छोड़िए ना सर, चल जाए यहां से। छोड़ मुझे, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, ये कहीं भी लाइट नहीं उठा पाएगा। अब ये लाइट क्यों उठाएगा? ये हमारी फिल्म का हीरो है। तेरे इंडस्ट्री में आने से पहले मैं डायरेक्शन करता हूँ, तो उससे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन जानता हूँ। यहाँ पे टेक्नीशियन हो, लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, आर्टिस्ट, हम किसी को भी पैसा दे करके उसे निकाल सकते हैं। हमें सिखाने की कोशिश मत कर। और एक बात सुन, तेरी डीडी चैम्बर में जमा है, कल जा करके कलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ तंग करने मत आना। अगर तूने शूटिंग में कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो तुझे अंदर करवा दूंगा, याद रखना। चल निकल यहाँ से। माय फुट, तू जाके चैम्बर से अपना पैसा ले ले, समझ गया? तेरा काम खत्म। चल निकल, निकल जा यहाँ से। अरे कुर्सी को क्यों मार रहा है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। फिल्मी दुनिया का नया सितारा विनोद, डायरेक्टर रमेश कश्यप की नई खोज विनोद। देख रही हो ना माँ, विनोद छा गया। माँ देख रही हो ना, विनोद का चेहरा ही बदल गया। हाँ। मैं विनोद का कार ड्राइवर बनूंगा। मैं बनूंगा स्क्रू ड्राइवर। क्या माँ, विनोद हीरो बन गया, आपको खुशी नहीं हुई? क्या माँ, आप क्यों मूर्ति की तरह चुप बैठी हो, जवाब तो दो। माँ नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हीरो हीरो क्यों बना। हीरो का रास्ता फूलों से नहीं कांटों से भरा होता है। ये फिल्मी दुनिया का राज मैं अच्छे से जानती हूँ। एक आदमी अगर आगे बढ़ता है तो 10 लोग मिलके उसके पैर खींचते हैं, सिर्फ पैर खींच कर नहीं मानते, अगर मौका मिले तो उसकी हत्या करवा देते हैं। मेरे बेटे ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब विनोद के हीरो बनने पर आपको खुशी नहीं हो रही है? खुशी की बात नहीं है, उसके भविष्य के बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है। विनोद सर, इस सीन में तुम्हारा कैरेक्टर एक बुरे आदमी का है, डायलॉग तुम्हारे लिए ओके है ना? ठीक है सर। तो टेक करें। ओके सर, करते हैं। जाओ हीरोइन को बुलाओ। ठीक है सर। मुझे देने जरा। सर सर, शॉट रेडी है सर। ए पागल, चल चल देख लेता हूँ। अगर तूने मेरे प्यार को नहीं माना और मुझसे शादी करने से मना किया तो जबरदस्ती तेरी इज्जत लूट कर तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुझसे शादी करूंगा। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, चाहे जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। कम ऑन। चलो माँ। क्यों मैडम, क्या हुआ? एक कैमरा बॉय को मेकअप लगा के हीरो बनाओगे तो यही होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? आप नहीं समझोगे, मैं एक लड़की हूँ ये भूलकर ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इतना घटिया एक्टर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको और कोई हीरो नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं, आपने इसे हीरो बना दिया और मैंने समझा दिया। चलो ठीक है, मेरा मूड ऑफ हो गया। देखो मेरी बेटी का मूड खराब हो गया, आज शूटिंग नहीं करेंगे। चलो बेटी। हाँ। हीरो बनेगा। विनोद सर, डोंट वरी, शुरुआत में ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी, कल शूट करते हैं। कौन हो तुम लोग? हम कौन है, तुम लोग देख क्या रहे हो?
बुला तेरे डायरेक्टर पति को, कहाँ छुप गया है? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो, कौन हो तुम लोग? हमारे हीरो विश्वास को हटाकर एक मामूली लाइटमैन को हीरो बना दिया तेरे आदमी ने, क्या समझता है? विश्वास भाई के फैंस इस शहर के कोने कोने में रहते हैं। कल तू अपने पति से बोल देना ये डायरेक्टर गिरी छोड़ दे और हमारे सर से पब्लिकली माफी मांग ले। सुनो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तू कुछ नहीं जानती, अपने पति से पूछ, सब पता चल जाएगा। उसकी किस्मत अच्छी है इसलिए बच गया। अपने आदमी से बोल देना कि हीरो विश्वास से सबके सामने सेट पे माफी मांग ले, नहीं तो अगली बार हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ याद रखना। हाँ। चलो रे। सच बता। क्या सच बता, सच बता लगा रखा है, आखिर तू जानना क्या चाहता है, कुछ बताएगा अभी? मैंने उपेंद्र सर से अच्छी एक्टिंग की ना सर, क्या बोलते हो? मुझे भी हीरो बना दो ना सर। पुलिस टॉर्चर का सीन कैसा लगा, कमाल ना? मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है। अरे सर, अरे सर, मैं तो एक्टिंग दिखा रहा हूं। अरे सर, मैं नहीं छोडूंगा। हे गणपति बाप्पा, मेरे बेटे को कामयाब करना। Thank you.
आइए सर, आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं सेठ जी, बैठिए। हो नारायण गांधी जी, क्या बात है, आज गांधीनगर से यहाँ आ गए। पद्मनी, हाँ? 3-4 गिलास जूस लेकर आना और बोल दीजिए उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला के लाए। After all, आपने एक लाइटमैन को हीरो बना दिया, आपका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? ओह, इसलिए आए हो? आपने सुपरस्टार विश्वास को हीरो लिया था, इसलिए हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे। तुमने उसे फिल्म से निकालकर अपना मार्केट वैल्यू गिरा दिया, अब हमें भी अपने पैसों की चिंता हो रही है। वो हीरो आपके हाथ में था, इसलिए हम लोगों ने एडवांस में आपको करोड़ रुपए दिए, ताकि फिल्म बने, बेवकूफ बनने के लिए नहीं। आपने विश्वास को हीरो से निकाल दिया, अब हमें आप पे भरोसा नहीं। आपने मुझ पर भरोसा करके पैसा लगाया था, ये हीरो पे भरोसा करके? आप एकदम सही बोल रहे हैं, आपको एडवांस दिया था, लेकिन उस हीरो के ऊपर। हमें पता था कि आपका और विश्वास का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमने पैसा लाके आपको दे दिया। ये हमसे गलती हो गई क्या? अगर तुमने उस लाइटमैन को हीरो ले लिया है तो हमें हमारा पैसा वापस दे दो। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, रुकिए मैं लाकर देता हूँ। ये लीजिए। चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक दिन एक स्लम लड़के पर एक इंग्लिश डायरेक्टर की नजर पड़ी थी, आज सिद्धार्थ बनकर इंटरनेशनल फिगर है। कॉलेज में खेल कूद करने वाला एक लड़का, उस पर भी किसी एक की नजर पड़ी, नाम रोशन किया, हीरो बना और MP भी बना। अगर उनको चांस नहीं मिलता तो वो आगे कैसे बढ़ते? वो लाइट बॉय है, उसे हल्के में मत लो। उसी लाइट बॉय को अगर मैंने सुपरस्टार नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रमेश कश्यप नहीं। सुनो कैमरामैन, आज बॉम्ब ब्लास्ट का सीन लेना है। ए डायरेक्टर साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बॉम्ब बहुत बड़ा फटना चाहिए। अरे आप शांत रहिए। विलेन का गैंग हीरो की मोटरसाइकिल पर बॉम्ब बांधता है, बॉम्ब डमी रहेगा, ये हीरो को पता नहीं। हीरो मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा और यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है सर। बॉम्ब का टाइमर और अगले सीन में दिखाएंगे। अभी हम कौन सा शॉट लेंगे सर? अभी हम सिर्फ मोटरसाइकिल की पासिंग लेंगे, पासिंग सीन के लिए आप शॉट लगाइए, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए हम उसे क्लोजअप लेंगे। ओके सर। क्यों मधु सर, विनोद रेडी हो गया तो उसे बुलाओ। सर मैं रेडी हूँ सर। हाँ चलो शुरू करते हैं। अरे ए, ये कौन है? अरे अबे रोको रोको सर। कौन है ये? क्या हो गया? अरे उठाओ 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 इसको। अरे क्या हुआ? अबे कौन है तू? यहाँ क्यों मरने आ गया? अबे कौन है तू? सर मैं तो रजनी सर की तरह बाइक चलाना चाहता था, मुझे लगा अगर मैं उनकी जैसे बाइक चलाऊंगा तो आप मुझे चांस दे दोगे, लेकिन उल्टा हो गया। पागल कहीं का, कब मानेगा तू? कितनी बार समझाऊ, चल जा यहाँ से, जा तुझे काम नहीं मिलेगा। किसने लगाया बम? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले यार, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कब से बोल रहा हूँ कि बम फटने का सीन अगला सीन है, तो तुमने बम फिक्स क्यों किया? सर वो तो जिम्मेदार कौन होता? चल जा यहाँ से। सर सर मुझे चांस मिलेगा ना सर? तेरे कारण मेरे को हार्ट अटैक आएगा, चल भाग यहाँ से, जाने तो एक लात मारूंगा। क्या है यार, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं लोग।
चलो चलो पुलिस आई, बैठो बैठो जल्दी बैठो। अरे अरे, सिर्फ इस दो कौड़ी के पेपर में लिख देने से आपका करियर कैसे खत्म हो सकता है सर? ऐसे ही उस विनोद का भी करियर खत्म हो जाना चाहिए। तो बॉस, आपको चुपचाप भगवान की तरह चुप बैठना होगा। हमने आपके नाम का फैंस क्लब बनाया है, वो किस दिन काम आएंगे? बस उनके आगे दो हड्डी फेंकने की देर है, वो उसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे। अगर आप ये भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए एक और अस्त्र है, एसिड। कितना चाहिए बोल, कितना चाहिए? बॉस, अभी मैं शकुनी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए, उसे मारें या घायल करें? दोनों करेंगे। तुम उसके साथ रहकर उसके हर पल की खबर मुझे देते रहना, और उसके साथ किस वक्त क्या करना है ये मैं बताऊंगा। जब तक मैं विनोद को बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला भाई। बस एक बार वो हाँ बोल दे। नमस्कार भाई। तीनों लोग एक साथ, क्या बात है, तीनों लोग बेंगलोर का माल एक साथ हड़पने आए हो क्या? भाई, हम तीनों तो इस हीरोइन को बुक करने के लिए आए थे। पर ये हीरोइन तो विनोद के साथ काम करने के लिए मना कर रही है। ये हीरोइन को नखरा कुछ ज्यादा ही है। देखो, विनोद तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, उसका फ्यूचर भी ब्राइट है। हमने सोचा कि उसको कास्ट कर लेंगे तो थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। अब हमने उसे बुक कर लिया है तो ये इतने नखरे दिखा रही है। वो हमको बोल रही है कि विश्वास को साइन कर लो। क्या उसको पता नहीं है क्या कि विश्वास सबसे घटिया हीरो है? आप तो देख रहे हैं, अभी हम तीनों के तीनों कपड़े में हैं। अगर एक बार विश्वास को साइन कर लिए तो तीनों नंगे हो जाएंगे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। वापस क्यों जा रहे हो? रुको ना, मैं जाके बात करता हूँ। चलो इनको भी देख लेते हैं। ठीक है। ओहो, यहाँ बैठी हो क्या? कॉफी तो पी लिया होगा ना? हाँ, पी ली। वैसे तो पूछ के बैठना चाहिए था, लेकिन ये सब तो हम प्रोड्यूसरों ने गिफ्ट दिया ना, इसलिए बैठ गया मैं। बैठ गए तो कोई बात नहीं, मगर पूछ के बैठते तो मुझे और अच्छा लगता। लेकिन तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? घर में आ रही लक्ष्मी को तुमने बाहर भगा दिया। उन प्रोड्यूसरों ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या कहा उन लोगों ने? क्या कहा मुझे बताओ? जो देखो एक ही राह कलाप रहा है, विनोद की हीरोइन बन जाओ, विनोद की हीरोइन बन जाओ। मैंने उन लोगों को इतना समझाया लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम काम करने को क्यों मना कर रही हो? उसमें बड़ा हीरो बनने का लक्षण है, तुम मना मत करो। तुम ऐसा करोगी तो मैं क्या करूँगा जानती हो? क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सीधा साधु बन के पद यात्रा पे निकल जाऊंगा। भगवान के दर पे जाके चुटकी बजा के प्रार्थना करूंगा तो फिर मेरे सामने सुंदर सी देवकन्या आके खड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं उसको अपनी हर पिक्चर में हीरोइन बना के फिल्म कम्प्लीट करूंगा। ठीक है, आप चुप हो जाइए, इसको ऐसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये बता, हीरो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? तुझे कितना पैसा मिल रहा है उसके बारे में सोच। सुनो, हीरोइन की उम्र होती 5 से 6 साल, उसके बाद माँ का कैरेक्टर, बीवी का कैरेक्टर, सहेली का कैरेक्टर, यही मिलेगा। जब तक तुम्हारी गाड़ी चल रही है सारा माल अंदर कर लो। हाँ बेटी, अगर अब भी तुम नहीं मानोगी तो हमारा बहुत लॉस होगा। इतना क्या सोच रही हो? सोचो मत बेटा। देखो ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। हाँ कर दो। ओके, ऑल राइट, उन्हें हाँ कर दो। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, जब इसने हाँ बोला तब चाय लाई। और 3 कप लाना, बाहर प्रोड्यूसर खड़े। कौन बाहर खड़े हैं? प्रोड्यूसर बाहर ही तो खड़े हैं। कैश लेके आए हैं? कैश लेके ही तो खड़े हैं। तो चलिए ना, बाहर ही मिलते हैं। तो फिर चलो ना। मैं मैडम को इनविटेशन देने आया हूँ। पहले ऊपर से तो हट। मैडम, सोचता हूँ कि आज गिरने से बच जाऊंगा, लेकिन रोज गिर जाता हूँ। अब आगे से मैं संभल कर चलूंगा। ओ, आप हो मैडम, कल मेरी बहन की शादी है, आपको आना ही होगा। ओहो, ये नहीं हो सकता,
तुम तो जानते ही हो लोकेशन दूर है, आने में ही देर हो जाती है, और वो डायरेक्टर, बाप रे। आप कैसी बात कर रही हो मैडम, मैंने अपने रिलेशन में सबको बता दिया कि आप आने वाली हो, हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा मैडम। ठीक है, देखती हूँ। रुक जाओ। आखिर तो अपने आप को समझता क्या है, तो यहाँ का रोमियो है या सलीम है? सुनिए, अगर मैं कोई रोमियो या सलीम होता तो शायद अब तक मेरे माँ बाप मुझे मार चुके होते, बट आई एम अ ट्रू लवर। मैं बहुत जिगर वाला हूं। लव इज सुप्रीम पावर, लव इज डिवाइन, लव इज ग्रेट, समटाइम्स लव बिकम्स इविल ऑल्सो। लव के लिए किसी जमाने में जान दिया करते थे, लेकिन अब लव के लिए जान लेते हैं। जमाना बदल गया है। भले ही जमाना बदल गया, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ शादी करने की? तेरी औकात नहीं है मेरे खानदान से जुड़ने की, निकाल मंगलसूत्र। विनोद, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। सीन बहुत अच्छा किया बॉस। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, आप रेस्ट कीजिए, मैं दूसरा शॉट देखता हूँ। जी। नेक्स्ट शॉट सिर्फ ट्रेवलिंग का शॉट है, लो एंगल है, 50 के लगाओ। ओके सर। ठीक है। कैमरामैन, सुनिए मैडम, आप अपना मंगलसूत्र उतार दीजिए, शॉट रेडी है। नहीं उतारूंगी। कौन है? मैं हूं मां, पहचाना नहीं क्या? फिल्मों में मेरे बेटे के साथ हिरन का काम करती हो, प्रतिभा हो ना? सही पहचाना आपने, अभी तक मैंने फिल्म के अंदर ही हीरोइन का कैरेक्टर निभाया है, लेकिन अब से असल जिंदगी में मैं आपके बेटे की हीरोइन हूँ। मतलब कैसे बताऊँ, मैंने उससे शादी की है। शादी कर ली? हाँ माँ, आज ही एक मंदिर में उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, ये देखिए, हमारी जिंदगी में खुशियाँ बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ, तुम ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो माँ, क्या हुआ बताओ? अब बोलो भी माँ। छोड़ मुझे, तुझसे बात नहीं करूंगी। तूने मेरा दिल तोड़ दिया।
क्यों माँ? क्यों माँ? अगर तू सिर्फ एक बार बोल दिया होता तो मैं भी तेरी शादी में आके अक्षत डाल देती। उसी में मुझे कितनी खुशी मिलती, ये तू सोच भी नहीं सकता। शादी? जल्दबाजी में तूने ऐसे शादी क्यों की मुझे बता, ऐसी क्या मजबूरी थी? मैंने शादी की है? ये तुमसे किसने कहा माँ? और कौन कहेगा, तेरी पत्नी ने कहा। माँ, तेरे हाथों से मंगलसूत्र पहन के वो सीधा मेरे दरवाजे पे आई और मेरा आशीर्वाद लेके गई। वो कौन है माँ? जो फिल्मों में तेरे साथ हीरोइन की एक्टिंग करती है ना, वही। बोली आज मंदिर में शादी की, अभी तक मैं सिर्फ फिल्मों में ही हीरोइन की एक्टिंग करती थी, लेकिन अब से असल जिंदगी में तुम्हारी बेटी की हीरोइन बन गई हूँ। इसलिए मैंने कहा मुझे ये फिल्मी दुनिया नहीं चाहिए, मेरा दिन ही खराब है जो तो मेरी बात नहीं सुनता। सलाम साहब। आ रही हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा, क्या है ये सब? क्या है? क्या पूछ रहे हो? ये हमने किसी मंदिर में शादी की है, ऐसा तुमने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? तुमने एक मंदिर में भगवान के सामने, हजारों लोगों के सामने, पुरोहित जी के मंत्रोच्चार के साथ मुझे मंगलसूत्र पहनाया, तुम भूल गए क्या? शट अप! ये शूटिंग में पहनाया हुआ नकली मंगलसूत्र है, असली मंगलसूत्र नहीं, तुम जानती नहीं हो? बताओ, जवाब दो मुझे। सुनो मिस्टर विनोद, मुझे बहुत सारी हीरो ने अपनी फिल्म में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने कब मना किया, लेकिन मैं उनकी फिल्म में पत्नी बनी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, असल में मैं तुम्हारी हीरोइन बन चुकी हूँ। इसलिए मैंने जो मंदिर में ये मंगलसूत्र पहना था, ये इसे उतार नहीं पाई, प्लीज तुम मुझे अपना लो। नो नो नो। यस यस यस। तुमने जब मुझे मंगलसूत्र पहनाया तब मैंने तुम्हें दिल से अपना पति मान लिया। देखो तुम मना मत करो, मुझे अपना लो। विनोद, आई लव यू, आई लव यू। जो भी हो, मेरी बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अब इसको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। तो तुमने इस फिल्मी शादी को अपनी असली शादी साबित कर ही दिया। हाँ। लेकिन मैं इसे अभी भी फिल्मी शादी ही मानता हूँ। तुम मुझसे सुख नहीं, नरक, दुख की यातनाएं पाओगी और धीरे धीरे मरती रहोगी।
और ये सब देखकर मैं खुशी खुशी हंसता रहूंगा। आज से हम दोनों बस नाम के ही पति पत्नी हैं। मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। आज से दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे में तू हिरन है और मैं शेर हूँ। विनोद तुम ही क्या कर रहे हो? छू मुझे। आज से तुझे मुझे छूने का कोई हक नहीं है, अंडरस्टैंड? शादी के बाद का ये पहला सीन है। शादी की खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए। ओके, मैंने क्या कहा समझ में आ रहा है? ओके सर। हाँ ठीक से करना, तुम भी अच्छी तरह करना है। करता हूँ सर। समझ गए ना? अभी फिल्म में तुम्हारी शादी हुई नहीं है, ये मंगलसूत्र दिखना नहीं चाहिए। हाँ। चलो फील्ड क्लियर करो। क्या हो गया बिस्को? ओह माय गॉड, प्रतिभा तुम्हारे एक्सप्रेशन कहाँ चले गए? नहीं सर। प्रतिभा रिलैक्स। सर मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ। विनोद एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो फिर एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहे? डोंट वरी, जस्ट गिव मी टू मिनट्स। ओके ओके, टेक केयर। प्रतिभा मुझ पर जो गुस्सा है वो शूटिंग में मत दिखाना। हम दोनों पति पत्नी हैं, यहाँ अच्छी तरह एक्ट करो। चीयर अप, चीयर अप प्रतिभा। ए, चल निकल यहां से, चल। ए, चल हफ्ता निकाल। ए, ये टाइगर भाई है क्या? मैं टाइगर हूं या नहीं ये अभी पता चलेगा, अंडरस्टैंड? वो टाइगर इंसान को इज्जत देकर प्यार से दूर चला जाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये टाइगर अन्याय करता है और इंसान को जानवर की तरह पीटता है, किसी को नहीं छोड़ता। मेरी बात मानो, इस जगह को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। तेरे जैसा इंस्पेक्टर हमने बहुत देखे है बे, चल देखते हैं तू हमें कैसे रोकता है। Okay.
कट इट। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा यहाँ मत आ, पर तू मेरी बात मानती कहाँ है। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ पता नहीं चल रहा। बता, यहाँ आके कितना टाइम हुआ, किसी ने आके पूछा क्या। चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, हमारे घर में ऐसा होता है क्या। मुझे तेरी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। मैं अगर बंगले में ऊपर से आवाज दूं तो कितने लोग आते हैं। मैडम कॉफी लेंगी क्या। इस घर में रहने वाली तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की मालकिन है, शारदा बहन। ओहो, तो आप शारदा बहन हैं। नाम कुल गोत्र बिना देखे रिश्ता बनाएंगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। इस घर में आपको क्या तकलीफ है मुझे बताइए। यहाँ रहेंगे तो जान चली जाएगी। एक कप कॉफी पूछने वाला यहाँ कौन है बताओ। सासू माँ, हम लोग फिल्मी लोग हैं, एक एक घंटे में कॉफी पीने की आदत है। आप भी फिल्म के हीरो की माँ हो, आपको ये पता नहीं है क्या। पता होना चाहिए। तुम्हारे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस घर के बारे में जानती हूँ। मुझे और मेरे बेटे को कॉफी की बात से ही उल्टी आ जाती है। अरे रे 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 रे, कॉफी की बात से तुम्हें उल्टी आती होगी, मगर कॉफी की सुगंध के बिना हमारी सुबह नहीं होती। ऐसा है तो एक काम करो, यहाँ से 1 किलोमीटर पे होटल दर्शन नाम का अच्छा होटल है, वहाँ जाके पी लो। मैं क्यों वहाँ जाऊँगी, मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं यही रहूँगी ना। और मैं तुम्हारी बहू की माँ हूँ। हाँ तो क्या, तुम्हारे सर पे सिंह निकल गया है। कैसे बात कर रही है, किसके सर पर सिंह निकला है। क्या मतलब, तू जो बोलेगी वो मैं सुनती जाऊंगी। तेरे घर की नौकरानी हूँ, तू अगर कहीं की महारानी होगी ना तो अपने घर की होगी। खाना खाने की औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करती है। औकात छोड़, स्वाभिमान है। गरीबों के पास पैसा नहीं स्वाभिमान तो होता है। तुम्हारी तरह पैसों के लिए किसी के आगे झुकते नहीं, इसीलिए पैसा ना हो तो भी स्वाभिमान रखने के लिए जहर जहर भी पी लेते हैं। इसीलिए हम तुम जैसे पैसे वालों को एक कप कॉफी भी नहीं पिलाते हैं। और सुन बेटी प्रतिभा, मेरा बेटा तुझे इस घर में लाया है, इसलिए मैं अभी तक तुझे झेल रही हूँ। वो इज्जत तुझे हरदम चाहिए तो उसकी पत्नी बन के लेना, लेकिन मेरी बहू बन के वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये क्या बोल रही है, सुन रही है ना। अब भी तू यहाँ पर रुकना चाहती है बेटी, देख कितना घमंड है इसके अंदर। मुर्गा दिन भर बाहर घूमता है मगर रात को वापस पिंजरे में आता है। वापस आए तो उसे मुट्ठी में कर लेना। चलो। सुनिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। जा रही हो तो जाओ, रोकने का हमारा स्वभाव भी नहीं है। और कब वापस आओगी ऐसा पूछने वाली मैं मूर्ख सांस भी नहीं हूँ। वाह, अब मैं आराम से कॉफी पी सकती हूँ। माँ, माँ क्या हुआ, तुम इस तरह चुप बैठी रहोगी तो मैं क्या समझूंगा, क्या हुआ बताओ तो सही। बड़े लोग हरदम अरेंज मैरिज करते हैं, तूने ऐसा नहीं किया। पहले लड़की के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था, देखना चाहिए कि दोनों का स्वभाव मिलता है कि नहीं। अगर दोनों के स्वभाव नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा। लोग शादी के पहले लड़की के अगल बगल घर वालों से क्यों पूछते हैं जानते हो। प्रतिभा ने तुमसे कुछ कहा क्या। अगर वो मुझसे कुछ बोलेगी तो बहू समझकर चुप हो जाऊं क्या बेटा। तो फिर उसकी माँ ने कुछ कहा क्या। वो क्या बोलेगी, मैंने दोनों को सुना दिया तो बोरी बिस्तर बांध कर दोनों लोग चले गए। प्रति, मुर्गा आया है, सिर्फ दाना खिला के फंसना मत, उसे धीरे धीरे अपने बस में कर लेना। एक बार वो तुम्हारे बस में आ गया तो वो अपनी माँ की नहीं सुनेगा, समझ में आया ना। मैं समझ गई। समझोगी क्यों नहीं, आखिर तुम मेरी बेटी हो। मैं जानती थी कि तुम यहां जरूर आओगे, अब तुम मेरी अदाओं से बच नहीं पाओगे। प्रतिभा तुम, मुझे पता था
कि आप यहाँ जरूर आओगे। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, अब हम ऐसे ही रहेंगे। ओ, आज तो आप बहुत मूड में लग रहे हो। जो है उसे पालो, जो कुछ भी मिला उसे ले लो, और जिंदगी भर बस इसी में खुश रहो। इसके सामने स्वर्ग भी कुछ नहीं है, ये बात साबित करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। दूसरों के घर देख के जलना नहीं चाहिए। करेक्ट। ड्रिंक मैं नहीं करूंगा। तुम करोगी। मैं करूंगी? यस। नहीं, आप तो जानते हैं कि मेरी आदत नहीं है। क्या कहा, तुम्हें आदत नहीं है? ये किसी पागल से कहना, वो शायद तुम्हारी बातों पर भरोसा कर ले। नो, मैंने कभी नहीं पिया। नहीं पिया? नहीं पिया? उस दिन प्लांटर्स क्लब में शूटिंग के दौरान तुम और विश्वास पी रहे थे, वो ड्रिंक नहीं थी? ए, पी लो इसे। ऊटी में ड्रिंक करने के बाद होटल लॉन में तुम दोनों ने जमकर रोमांस किया था, वो क्या ड्रिंक नहीं था? बोलो ना। अरे बेचारी, तुम्हें तो आदत ही नहीं है। कुल्लू मनाली में जब 10 दिनों की शूट चल रही थी तो ठंडे मौसम में शरीर को गर्म करने के लिए उस भरी हुई बोतल को खाली तुमने ही तो किया था, वो भी तो तुम और विश्वासी पी रहे थे, ये तुम भूल गई क्या? ये सब इसको कैसे पता चला? क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम्हें तो शराब पीने की इतनी ज्यादा लत है, और मुझसे कह रही हो कि तुम्हें शराब पीने की आदत नहीं है, इस पर मैं यकीन कर लूं? कम ऑन, पी लो। ठीक है विनोद, अगर तुझे मेरे रास्ते पर लाना है तो मुझे तेरा रास्ता पकड़ना ही होगा। ठीक है, इधर दो। That's like a good girl. उठाओ यार। नहीं सर, नहीं सर, मैं उठाओ नहीं यार, कोई बात नहीं, चलेगा सर, आप पीजिए ना। क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है, इतना शर्मा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, चल ले पी से। रहने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो पी लेता हूँ। समाचार क्या है, कैसी चल रही है शूटिंग? शूटिंग वीटिंग तो अच्छी चल रही है सर, लेकिन एक आप नहीं है ना, इसकी कमी खल रही है। कैसा है वो तेरा विनोद? हाँ, आपके रहते हुए विश्वास सर, मेरा कोई नहीं हो सकता। यस, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे भाई हैं, मुझे ड्रिंक पिला रहे हैं, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, डोंट वरी। क्या बात है, 2 पैग नहीं पिए तूने और ज्ञान बांटने लगा। गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, काम की बात क्या है बता। कोई खास समाचार तो नहीं है, कल एक चेजिंग सीन का शूट है बस। ये विनोद बाइक से चेज करेगा, एक लॉरी से उसका एक्सीडेंट होगा। जो मैंने बोला सब सही से किया है ना? लॉरी किसने बुक की थी? प्रोडक्शन मैनेजर ने सर। सर वो बहुत पुराना है सर, अपनी पिछली पिक्चर में भी लॉरी की चेजिंग इसी ने की थी, बाय चांस ब्रेक फेल हुआ और ये सब हो गया, उसने जानबूझ के नहीं मारा। हे, उसने जानबूझ कर मारा या अनजाने में? अगर थोड़ी सी गलती होती तो आज विनोद हॉस्पिटल में नहीं होता।
कहाँ है विनोद? क्या हुआ उसे? आप घबराइए मत, विनोद को छोटा सा घाव लगा है, आप शांत हो जाइए। Yes, you are right, Mr. Ramesh. Vinod is out of danger. God is great. Nothing to worry. Okay. बस एक दो दिन उसे यहाँ पर रेस्ट लेना होगा। Okay. Okay. Thank you. आप लॉरी नंबर और ड्राइवर का एड्रेस दो सर, हम लोग उसकी वाट लगा देंगे। इतने गर्म होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, विनोद की जान को खतरा नहीं है। मैनेजर, हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा पे कर दो। तू दिल पर बोझ मत ले, सबने मान लिया है कि लॉरी का ब्रेक फेल होने से ये हुआ है, पुलिस ने भी यही केस बनाया है। शूटिंग लाइन में तो ऐसी घटना होती रहती है, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा प्रोड्यूसर ही उठाएगा, तुझ पे कोई शक नहीं करने वाला। मैं तेरे घर जाकर तेरी पत्नी को भी पैसा देकर आया हूँ, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। एक बात और, तू इसके बारे में किसी को नहीं बोलेगा, अगर तूने किसी को बोला तो याद रखना हमारी इंडस्ट्री में तुझे विश्वास सर काम नहीं करने देंगे। मैं उनसे बदला लेने तक चुप नहीं रहूंगा सर, ये जानबूझकर किया है मैं जानता हूँ, और इसके पीछे कौन कौन है ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ। जाने देना भाई, इस बात को बड़ा इशू मत बना। सुन, अगर तू कुछ उल्टा सीधा बोला तो पुलिस हम लोगों को ले जाएगी, उसके बाद शूटिंग तो रुक जाएगी, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और बेइज्जती होगी अलग से। सुनना, मेरी शूटिंग मत रोक यार, मेरी इज्जत तेरे हाथ में, सब बचा लेना भाई, मैंने पूरे मार्केट से उधार ले रखा है। देखिए, आपकी बात मानकर मैं इसे इशू नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी मौत का सपना देखने वाले दुश्मनों को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। अब कल से शुरू होगा कोल्ड वॉर। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कम ऑन, कूल डाउन प्रतिभा, कूल डाउन। अब मैं क्या करूँ, सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है, एक बार उसका टाइम खराब हुआ तो ऊपर वाला भी उसे बचा नहीं पाएगा। तब तक हमें चुप नहीं बैठना है, हम अपना काम करते रहेंगे, एक ना एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे, बट सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करो, ओके? हेलो, मैं हूँ। क्या हुआ, मेरी आवाज सुनते ही तुम्हारी आवाज अचानक बंद क्यों हो गई? कहाँ से बात कर रहे हो? ज्यादा दूर से नहीं, तुम जहाँ कहीं भी खड़ी हो वहाँ से तुम्हें बहुत ही आराम से देख सकता हूँ। यू शट अप यू स्काउंडरल, ए इज्जत से बात कर। दूसरों की बीवी से, छुप छुप के मिलने वाले तुझ जैसे लोफर से इज्जत से बात करूं? ए ए तेरी तो विश्वास, प्लीज यहां से चले जाओ प्लीज। ओए मिस्टर, ये आखिरी बार है, अगली बार मेरी पत्नी से छुप छुप कर मिलने की कोशिश की ना तो अंजाम बुरा होगा, याद रखना। गौरव मान मर्यादा चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो, वो भी चुपचाप, वरना उसके साथ जाओ। सुनो, हाँ? ये है 50,000 रुपया। हाँ? सेट का काम जल्दी खत्म करो यार, कल हमें गाना भी तो शूट करना है। हाँ जी। हीरो रेडी है हमारा। जी जी, हाँ? जी। जाओ जल्दी करो यार। सेट बनाने के लिए 50,000 रुपए दिए और बाकी का है मिस्टर। तुम कौन हो? हाँ? ये कौन है पागल जो मेरी जगह पे आके मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? ये पागल, ये मेरा घर है बे।
तुम मालिक हो या ढोलक हो, ये जान के मुझे क्या फायदा है। अच्छा तुम धंधा क्या करते हो? फिल्म प्रोड्यूसर हूँ यार। अच्छा तुम काचाची बनाते हो क्या? ये क्या है बे काचाची? कन्नड़ फिल्म एसोसिएशन है और क्या। तेरी बात सुन के मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। वेरी गुड, हम जैसे लोगों को तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। मेरी क्या जरूरत पड़ गई? पिक्चर में काम करने वालों को सबको पैसे देते हो कि नहीं? मैंने सबको पैसा दिया, किसी का पेंडिंग नहीं। आप क्या इनकम टैक्स ऑफिसर हो? शट अप, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, क्वेश्चन मत पूछना, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, पूछो। अच्छा एक फिल्म बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच बोल बे। तो फिर सच बोलने पे 85 लाख की जरूरत पड़ेगी। ओके, मैं भी एक पिक्चर बनाऊंगा, 1 करोड़ रुपया तुझे दूंगा। 1.25 करोड़ रुपया चलेगा? अरे 1.5 करोड़ रुपया। हे भगवान। ओके ओके, 2 करोड़ चलेगा? हे भगवान, हे भगवान बचा लो। ओके ओके ऑल राइट, चलो मैं तुम्हें देता हूँ 2 करोड़ रुपया। हे भगवान इतना मत बढ़ा, मैं सह नहीं पाऊंगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके अभी मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ। 2 करोड़ रुपए का एक ही चेक दोगे क्या? क्या चेक नहीं चलेगा, कैश? ओके। $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख, $4 लाख, $5 लाख, $10 लाख, $50 लाख, $75 लाख। अबे इसमें गांधी जी कहाँ है बे? तू मुझे उल्लू बनाने आया क्या? अरे और पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। अबे इसको कहाँ ले जा रहे हो? कौन है ये? मेरा पैसा है। ये कौन है? ये पागल है सर। पागल है? आज सुबह ही अस्पताल से भागकर यहाँ आया सर। सर ये एक जमाने में गांधीनगर में ना बहुत बड़ा फाइनेंस था, कुछ घोचू लोगों को फाइनेंस कर दिया, बेचारे की ये हालत। अरे बाप रे, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे बाप रे बाप, क्या क्या दिन दिखा रहा भगवान, जल्दी से मुक्ति दिला दो। ठीक है पहले मैं ये फिल्म खत्म कर लूँ फिर बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप लोग, कल शूटिंग के लिए सबकी कॉस्ट्यूम रेडी है ना? रेडी है सर। सर लोकेशन रामनगर को फिक्स कर दिया है। बैंडिट क्वीन दुर्गा देवी को अरेस्ट करने के लिए अपना हीरो विनोद ना काउबॉय के गेटअप में घोड़े पे बैठ के वहां पर पहुंचता है। ये क्या? व्हाट? ओरिजिनल बुलेट थी? इंस्पेक्टर ये बुलेट असली थी कि नकली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इसे ओपन कैसे करते हैं, पता नहीं कैसे हो गया। धीरज रखो बेटा, संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर मेरी बेटी निर्दोष है, ये तो इस फिल्म की हीरोइन है, शॉट में सिर्फ पिस्टल उठा के एक्ट कर रही थी, प्लीज इसे छोड़ दो। सच बता, ओरिजिनल बुलेट तूने डाला या किसी और ने डालने के लिए कहा? नहीं सर, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैंने तो नकली बुलेट ही डाला था सर। झूठ बोलता है तेरी तो। सुनो, आपको किसी पर शक है क्या, या फिर आपका कोई दुश्मन है जिसने यह सब कुछ किया? नहीं सर, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओके इट्स ऑल राइट। नो, अगर मैंने उसे फोन कर दिया तो मेरे फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा ये प्रतिभा को गोली मारने का आइडिया किसने दिया होगा? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। पिस्टल उठाने के बाद मेरा हाथ कांपने लगता है, फिर मैं तुम्हें शूट कैसे कर सकती हूँ? उस पिस्टल में बुलेट कैसे बदल गई मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, सच में नहीं जानती। जानती हो ओरिजिनल बुलेट पिस्टल में किसने लोड की? मैंने ही की थी, ये बात अब तक तुम समझी नहीं? What? तुमने? Yes my dear sweetheart। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा नाम खराब करने के लिए, साथ में काम कर रहे को एक्टर की तुमने कत्ल करने की कोशिश की, ऐसा तुम्हारा नाम बदनाम करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब किया।
तुम्हारे हाथ में जो पिस्टल थी उसमें ओरिजिनल बुलेट डालकर अपनी मौत को मैंने खुद ही वेलकम किया तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं ऐसा सोच रही हो? तुझे मैं तड़पा तड़पा कर दुख दूंगा और तुझे दुखी देखकर मुझे बहुत सुख मिलेगा। आई बात समझ में? इस खेल में इस तरह की खास बातें और भी कई सारी होंगी। ओ, तुम्हारे हाथ में जो पिस्टल थी उसमें ओरिजिनल बुलेट्स कहां से आई ये सोच रही हो ना? सिंपल, जब तुम मेरे साथ लपक लपक कर डांस कर रही थी अब शुरू हो चुकी है अपनी दुश्मनी। अब से तुम्हें उठते बैठते जागते सोते तुम्हें हमेशा मैं टॉर्चर करूंगा। तुम्हें शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो तो भूल ही जाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे जानती हो? नो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम, अगर तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हीरोइन के घर से फोन आ रहा है। आज शूटिंग नहीं है, बता दिया था ना? कल ही बता दिया था। तो फिर पैसे के लिए फोन कर रही क्या? उसका पूरा पैसा दे दिया है, बैलेंस अमाउंट नेक्स्ट शेड्यूल में दूंगा। अरे अरे, पूछो ना क्या बात है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, हम लोग वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अपनी हीरोइन प्रतिभा ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया? अरे बाप रे, अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरी पिक्चर बंद हो गई। वाह, अरे मल उठ गया, अब मैं क्या करूंगा? अरे अरे, मैं कहां से पैसा चुकाऊंगा लोगों के? चुप रहिए आप, जिसको रोना है वो रो नहीं रहा हो, तुम बेवजह रो रहे हो। ए मधु, जल्दी आओ। जी सर। आज शूटिंग सबको बता दो, पैकअप है। मेरी पिक्चर। क्या बात है सर, शूटिंग पैकअप क्यों करवाई? विनोद, धीरज से काम लो। जिंदगी में हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही करता है। भगवान के घर जाने के चार रास्ते होते हैं, कोई भी रास्ता पकड़ो पहुंचोगे वहीं, सही है ना? मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं और आप क्या जवाब दे रहे हैं सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद, तुम्हारी पत्नी प्रतिभा ने आत्महत्या कर लिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ए, कुर्सी इधर ले आओ, चलो बैठ। विनोद, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, संभालो अपने आप को, उठो उठो, कम ऑन। बेचारी, लोग उस पर शक कर रहे थे कि ये पति को मारना चाहती है, ये बात सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। सर।
सर, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसी ने इसे मारा है, इसने, इस विनोद ने। प्लीज अरेस्ट हिम। ए भाई, अब क्या तुम्हारे बोलने से अरेस्ट कर लूं क्या? अरेस्ट करने के लिए क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? सर, मैं सच कह रहा हूं, आफ्टर ऑल ये एक छोटा सा लाइट बॉय था, बाय चांस हीरो बन गया। इसने बहुत बारिस के साथ एक्टिंग करने के लिए रिफ्यूज किया, तो इसने बदला लेने के लिए इसका मर्डर कर दिया। सर, जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में आकर गवाह बनूंगा। भगवान के लिए, आप इसे अरेस्ट करो। देख भाई, तू अपने एक्टिंग ना सिर्फ फिल्मों में दिखाया कर, मेरे सामने ओवर एक्टिंग मत कर। अब क्या तेरे बोलने से अरेस्ट कर लूं? तू क्या अपने आप को एमपी एमएलए समझता है? ये देखो, ये क्या है, इस लेटर में क्या लिखा है? इसने खुद सुसाइड किया है। इसमें लिखा है कि किसी को परेशान ना करे। आई बात समझ में? इतना एविडेंस काफी है, इसमें आपको उंगली डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए दूर रहिए। मिस्टर विनोद, बॉडी को पोस्टमार्टम करके आपको बता देंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाएंगे। प्लीज कॉपरेट विद अस। कांस्टेबल सर, बॉडी को ले चलो। जी सर। ये क्या मां, ये फोटो, फूल, दिया, कौन लगती है ये तुम्हारी बेटी या फिर बहू? बेटा, अपने आप को संभालो। उस ऊपर वाले के खेल के सामने आखिर हम इंसान कर भी क्या सकते हैं? प्रतिभा के मरने से तुम्हारे दिल को धक्का लगा है, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो। हिम्मत मत हारना बेटा। हिम्मत मत हारना, मेरी हिम्मत में कभी कमी नहीं आएगी माँ। नहीं बेटा, तुम्हारी प्रतिभा इतनी कम उम्र में चली गई, इसलिए शायद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो कोई मेरी असली पत्नी थी, फिल्मी पत्नी थी माँ। प्रतिभा मर गई। हाँ, प्रतिभा मर गई। विनोद, प्रतिभा मर गई। विनोद, प्रतिभा मर गई। विनोद, ये क्या कर रहे हो तुम? विनोद, हे विनोद। प्रतिभा मर गई, प्रतिभा मर गई। विनोद, विनोद, क्या हुआ तुम्हें? विनोद, विनोद, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? प्रतिभा मर गई माँ, प्रतिभा मर गई माँ। विनोद, हिम्मत रखो। विनोद, विनोद, प्रतिभा मर गई। विनोद, 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 प्रतिभा तुम मर गई हो? सच बताऊं, मैंने तुझे जान से मारा है। हाँ विनोद, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, मैंने ही उसे मारा है। यस, मैंने मारा है उसे। और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि मैंने उसे मारा है। विनोद, सबको तो ये यकीन हो गया कि उसने आत्महत्या की है। मैंने प्लान बना के उसका मर्डर किया। तुमने उसका मर्डर किया? यस यस, मैंने कत्ल किया, मैंने मर्डर किया उसका। हाँ माँ, हाँ। और सिर्फ कत्ल नहीं किया, तड़पा तड़पा के उसे मारा है मैंने। जानती हो क्यों? मैं सह नहीं सकती विश्वास, वो विनोद मुझे रोज टॉर्चर करता है, अब मैं नहीं सहूंगी। पागल हो गया प्रतिभा, और मैं क्या बात करूं? मेरी यहाँ क्या हालत है तुम जानते हो? तुम समझो विश्वास, बस थोड़े दिन की बात है, अब सहना मुश्किल है। अभी तक मैंने हर बात मानी तुम्हारी विश्वास, तुमने कहा उसका फ्यूचर खराब करना है, इतना टॉर्चर करो कि फिल्म लाइन से भाग जाए और वापस ना आए। तुमने ही कहा कि प्रतिभा तुम उससे शादी कर लो और उसकी पर्सनल लाइफ को खराब कर दो। वो पागल हो जाएगा, वो शराब पीने लगेगा और हम उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन तुम्हारा हर पासा उल्टा पड़ रहा है, हर दिन वो मुझे टॉर्चर कर रहा है।
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ उसी की बात सुनते हैं। और तुमने कहा था कि हम हमेशा स्टार की तरह चमकते रहेंगे। तुमने जैसा बोला मैं वैसा करती रही। मैं उसे टॉर्चर देने आई थी और वो मुझे टॉर्चर दे रहा है। प्लीज प्लीज विश्वास, उसका कुछ करो, उस विनोद को खत्म करो और मेरे दिल को, मेरे मन को शांत करो। नहीं तो देखना, एक दिन मैं मर जाऊंगी विश्वास। विनोद, प्रतिभा, हेलो हेलो, रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया तो तुम मेरे गले में फांसी का फंदा देखना चाहती हो? मैं भी तुम्हारा टॉर्चर सहते सहते बहुत तंग आ गया हूं। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है, अब तो तुम मर जाओ यार, प्लीज प्लीज मर जाओ। ए, मर जाओ ना। नहीं, मैं नहीं मरूंगी। तो क्या मैं तुम्हें मार दूं? नहीं, प्लीज प्लीज विनोद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। बड़ी अजीब बात है, तुम्हें जिंदगी में एक लीगल हस्बैंड और यार दोनों आसानी से मिल गए, लेकिन एक औरत के लिए पति और यार के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तो तुम्हारा लीगल हस्बैंड बन चुका हूँ और तुमने मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग उसके साथ फोन पर पहले ही कर ली है। अगर तुम जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करोगी तो वो पाप मेरे सर पर चढ़ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हा? तो मेरी पत्नी होने के नाते मेरी सेफ्टी के लिए तुम एक लेटर लिखो। कैसा लेटर? That's like a good girl. लिखो, मेरी मौत का कारण मैं ही हूं, विनोद का इसमें कोई हाथ नहीं है। बेइज्जत होने के डर से जिंदगी से तंग आकर मैं खुद अपनी इच्छा से अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, मैं नहीं लिखूंगी। सुनो, जैसा मैंने कहा है, अगर वैसा लिखोगी तो वो कागज लेकर मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम ये खुद लिखकर दोगी तो मैं ये पुलिस के पास दे दूंगा, नहीं तो अगर तुम नाटक करोगी तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। क्या सोच रही हो, लिखोगी या मर्डर करूं? मुझे कैसे भी आज इससे बचना है, कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। आज ही जैसा कहता है मैं कर देती हूँ, कल पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है और इसे अंदर डाल दो। ओके, मैं लिखती हूँ। तुझे मारने के लिए मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, ये देखो।
हो उसे बुलाओगी? वो और नौकरानी दोनों गहरी नींद में सोए हैं, इसलिए तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मरने तक वो लोग नहीं उठेंगे। कम ऑन प्रतिभा, प्लीज मर जाओ। एक बात सुन लो, अगर आसानी से मरना चाहती हो तो चुपचाप रहो। तड़पा तड़पा के मारूंगा तो तकलीफ होगी, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। ये बैठने के लिए नहीं है। इस पर चढ़कर तुम अपने गले में फांसी लगाओगी। बस एक ही मिनट के लिए तकलीफ सह लो, एक बार ऊपर जाने के बाद खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज प्रतिभा, जल्दी करो। प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करो। प्लीज प्रतिभा प्लीज। ओहो, मैं कुर्सी हटा दूंगा, ये डर है? नहीं 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 नहीं, नो नो नो। देखो मैं कितना दूर बैठा हूं। प्लीज एक बार, सिर्फ एक ही बार प्लीज। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बांधो ना। वाह, पति की बात मानकर तुम मरने के लिए तैयार हो गई। हैट्स ऑफ, सच में तुम कमाल की लड़की हो। सती सुकन्या, सती सावित्री, पतिव्रता के रेंज की लड़की हो। सच में तुम्हें मान गया। पति की बात मानती हो, ऊपर जाकर तुम्हें पुण्य मिलेगा। जवाब चाहिए तुम्हें तो आओ मेरे साथ। मां आओ ना। सहयाद्री, मां 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 शांत हो जाओ। मां मैं हूं। मां कौन है ये? विनोद, कौन है ये? माँ 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 डरो मत, माँ माँ डरो मत, मैं सह्याद्री हूँ। माँ सह्याद्री, मैं आपके बेटे सूरज का दोस्त हूँ। माँ सूरज? हाँ हाँ माँ, सूरज का। आपके बेटे सूरज ने जो पैसे मुझे दिए थे वो सब मैं आपको देकर उसके साथ मैं शूटिंग पे चला गया था। मैं वही सह्याद्री हूँ माँ, वही। तुम हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कैसे? वो ना। सूरज, मैं अब चलता हूँ। आज और कल अपना फाइट का सीन है ना, इस पैकेट में 50,000 है। तो एक काम कर, गांव जा और माँ को दे दे। इस बार कैसे भी माँ को मना ले, उन्हें यहाँ रहने के लिए अपने साथ लेकर आ। ओके, सीधा लोकेशन पर आना। ओके सूरज। माँ जी, सूरज ने मुझसे कहा है कि तू कैसे भी माँ को मना और मेरे पास रहने के लिए लेकर क्या। वहां पर बंगला, कार, नौकर चाकर, वहां सब कुछ है माँ। वहां पर आपकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी माँ, आप चलेंगी ना? माँ को तो बेटे की यश कीर्ति सुनकर ही
दिल को बहुत चैन मिलता है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। लेकिन ये घर मेरे पति का है। इतने साल मैंने यही निकाले है बेटा। वो यहीं से गए। उनकी आत्मा यहाँ है। मुझे भी इसी घर में अच्छा लगता है। उनकी आत्मा यहाँ हमेशा मेरे साथ रहती है। उन्हें यहाँ अकेला छोड़ के मैं और कहीं नहीं जा सकती। समझ रहे हो ना? जब मौका मिलेगा मैं आ जाऊंगी। उसे मिलकर मैं वापस यहीं आ जाऊंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ। सूरज, सूरज। ओह, तुम यहाँ पर आई हो, इसीलिए 12 बज चुके हैं और सूरज अभी भी शूटिंग पर नहीं पहुंचा। ए तू चुप कर। ए, चुप हो जाऊंगा, जरूर चुप हो जाऊंगा। तुम्हारी जैसी थर्ड क्लास लड़की के साथ बात करके मैं अपना मुंह नहीं खराब करना चाहता। यू? सूरज, सूरज, सूरज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज, क्या टाइम हो रहा है पता है? 12 बज चुके हैं। ओह माय गॉड, टाइम का पता ही नहीं चला। तो एक काम का, सेट पे जा, मैं तैयार होकर आता हूं। छे प्रतिभा, जो फिल्म इंडस्ट्री में उगता हुआ सूरज बनकर निखरने की कोशिश कर रहा है, तू अपने स्वार्थ के लिए उसका सूरज अस्त करना चाहती है। तुझे हटना पड़ेगा। मेरे क्लोज फ्रेंड का करियर खराब कर रही है। ए, तेरा सर्वनाश होगा। वो ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा। हाँ, कभी नहीं करेगा। गोपी, हाँ बोलिए सर। सूरज के आने से पहले हम लोग शॉट रेडी रखेंगे। हाँ। मैं क्या कह रहा था कि एक सीधी ट्रॉली डालो। ओके। कार आकर रुकेगी, ट्रॉली का मूवमेंट होगा, हम 2 शॉट लेंगे, समझे? हाँ? ओके सर। ओके, जाओ ट्रॉली लगाओ। हाँ। नटराज, कैमरामैन को बुला। वो सोच भी नहीं सकता। सब लोग रेडी है ना? हाँ रेडी है। अपना हीरो किधर है? इतनी देर हो गई, अभी तक पहुंचा नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं। खैर उसे छोड़ो। कल विश्वास ने बहुत ही लो पिच पे डायलॉग बोला था, तुम ध्यान देना कि आज वो करेक्ट बोले। ला मुझे दो। हाँ, ये लो। ला। प्ले करो, प्ले करो। ये देखो। मैंने देख लिया, तुमने तो सूरज को अपना गुलाम बना लिया। गुलाम तो बना लिया है, जैसे तुमने कहा था सूरज को अंदर लॉक करके आई हूँ और यहाँ सब उसका इंतजार कर रहे हैं। ड्रिंक्स में मैंने पॉइजन मिला दिया था। बस एक घंटे में न्यूज आएगी कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने विख्यात हीरो शराब पीने की वजह से लिवर डैमेज हो गया और राम नाम सत्य हो गया। अब वो किसी भी हालत में नहीं बच सकता। नो! हम लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए। ए, तुम लोग कभी कामयाब नहीं होगे। अगर मेरे सूरज को कुछ भी हुआ ना, ए, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। यस। सूरज, सूरज, हे सूरज, सूरज, सुन, सूरज, 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 बात कर, सूरज, सूरज, बात कर, सूरज, सूरज, तुम
दोनों ने, तुम दोनों ने मेरे सूरज को मार दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ आओ प्रतिभा, गुड, वेरी गुड, चलो। नहीं, मेरा बेटा, मेरे सूरज को उन्होंने मार दिया। मेरे सूरज को मार दिया। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ भी बोलूंगा मुझे मार देगा, मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, इसीलिए इसीलिए माँ मैं इस पुराने बंगले में जेल की तरह सजा काट रहा हूँ। माँ मुझे दोनों टाइम खाना पीना विनोद ही लाकर देता है। माँ यही मेरा ख्याल लगता है, माँ यही मेरा ख्याल लगता है। विनोद, विनोद, इस तरह रो मत। बचपन में मैं और सूरज गिल्ली डंडा खेलते थे। एक दिन उसने मेरा डंडा तोड़ दिया तो मैंने वही डंडा उसके सर पे मार दिया। उसके सिर से खून निकलने लगा। उस डर से मैं मुंबई भाग गया। वहां मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं तुमसे मिलना चाहता था पर दिल में हमेशा एक डर था कि मेरी वजह से भाई मर गया है। उस डर से मैं वहीं रहा। लेकिन एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहता है। यह पढ़कर मैं उससे मिलने के लिए खुशी खुशी आ गया। लेकिन जब मैं आया तो भाई मरा पड़ा था और ये एक कोने में तड़प रहा था। किसी तरह मैं इसे इस घर में लाया और तब से ये यहीं पर रह रहा है। इसने मुझे सब बताया कि भाई को उन लोगों ने किस तरह से मारा और तब पता चला कि भाई मेरी वजह से नहीं बल्कि प्रतिभा और विश्वास की वजह से मारा। उसके बाद मैंने उनसे बदला लेने के लिए फिल्म लाइन को ज्वाइन किया और विश्वास की साइन की हुई सारी फिल्में मैं हथियाने लगा। डायरेक्टर का भरोसा जीतकर मैंने उसे अपने पाले में कर लिया। उन्होंने मेरे साथ भी भाई की तरह ही खेल खेला पर इस बार खेल उल्टा हो गया। उन्होंने मुझे फंसाना चाहा लेकिन मैं नहीं फंसा। मैं उनकी बलि नहीं चढ़ा बल्कि वो बलि चढ़ गई और अब बारी है उस विश्वास की। विनोद, आओ जल्दी। ले चलो, ले चलो, चलो। Oh,
बचाओ।